एनएसएस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चंबल नदी में एक बड़ा हादसा हो गया था। जी हां, पैदल चंबल नदी पार करते वक्त 7 लोग नदी में डूब गए थे। गोताखोरों ने 3 शव नदी से बाहर निकाल लिए हैं। 4 लोगों का 18 घंटे बाद भी कोई पता नहीं चला है। आपको बता दें कि सीएम ऑफिस से रखी जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर। जी हां, शनिवार पैदल चंबल नदी पार करते वक्त 7 लोग नदी में डूब गए थे। स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस ने 3 शव को बरामद कर लिया है। वहीं 18 घंटे बीतने के बाद भी 4 लोगों का शव अभी तक गायब है। वहीं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री कार्यालय से नजर रखी जा रही है। हादसे की ताजा जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड इमरान खान। इमरान, राहत बचाव दल को कब तक शव मिलने की उम्मीद है और कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया? बिल्कुल, देखिए सोमनाथ, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के सीपी जिले के कोलारस तहसील के ग्राम चिलावा थाना तेंदुआ से कुशवा समाज के 17 लोग, जिसमें 10 पुरुष और 8 महिलाएं अरसाल की तरह इस बार भी माँ केला देवी के दर्शन के लिए राजस्थान के लिए पैदल यात्रा पर निकले थे। ये सभी लोग 4 दिन में 130 किलोमीटर चलकर सीपरी से विजयपुर टेंडरा बोलाज रूट से होकर रायड़ी राधेन गांव के नजदीक स्थित चंबल नदी के कैलारा घाट पर पहुंच गए। ये लोग सड़क मार्ग से जाते हैं तो केला देवी पहुंचने में शायद 1 दिन का समय और लगता जाना, इसकी वजह से इन्होंने जबकि नदी को सीधे पार करने के बाद 5 घंटे में ही केला देवी पहुंच जाते हैं। इसलिए इन सभी पदयात्रियों ने एक वहां से निकलने वाले मल्लाह से पूछा कि बाबा, यहाँ से केला देवी जाने के लिए नदी पार कैसे करें? तो वहां से गुजर रहे किसी मल्लाह ने बताया कि चंबल नदी की इस पट्टी पर पानी कम है, आप पैदल ही निकल जाए। सभी 17 पदयात्री एक दूसरे का हाथ थाम कर नदी में उतर गए और आगे बढ़ते गए तो नदी के पानी के अंदर गहरे गड्ढे में एक एक कर सभी समाते चले गए। 17 में से 7 लोग तैरकर राजस्थान के मंडरायल थाना क्षेत्र में पड़ने वाले रोदई गांव के घाट पर पहुंच गए, जबकि 3 लोग कैलारा घाट की तरफ लौट कर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। जबकि 2 लोगों अभी तक जो रेस्क्यू भी ऑपरेशन में टोटल सात लोगों के शव आए थे, जिसमें से मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस एवं आर्मी और रेस्क्यू भी के एनडीआरएफ एसआरपीएफ की टीम के द्वारा 3 लोगों के शव अभी तक बरामद हुए। और मैं आपको बता दूं, पूरे घटनाक्रम में एक 4 महिलाएं, 1 बच्ची और 2 पुरुष हैं, जिसमें से अभी तक केवल 3 लोगों के शव सौम्या पुलिस को हाथ लगे हैं। वही इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में कल सुबह 9 बजे से ही शुरुआत में 2 घंटे तक मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा में आसपास के गोता के युवकों को बचाने में जुटे थे। वही दोपहर 2 बजे से मध्य प्रदेश के मुरैना व ग्वालियर की 2 एसडीआरएफ टीम चंबल नदी पर पहुंची। वही राजस्थान की एसडीआरएफ टीम दोपहर 12 बजे ही पहुंच गई थी। तीनों टीमें 8 घंटे तक नदी में डूबे लोगों के सकुशल बाहर निकालने और लापता लोगों की तलाश में जुटी रही, लेकिन उसके बाद भी सफलता हाथ नहीं लगी और शाम को 6 बजे दिल्ली से रवाना हुए एनडीआरएफ टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई थी और पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को और रेस्क्यू ऑपरेशन वाली टीम को केवल 3 ही तब अभी तक बरामद हुए। और वहां पर मुरैना जिले के साथ साथ राजस्थान के करौली जिले के कलेक्टर, एसपी और मौके पर वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूरी सीएम कार्यालय से इनकी मॉनिटरिंग चल रही है और पल पल की अपडेट उनके द्वारा ली जा रही है कि किस तरीके से अभी तक शवों को, और दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज किया जाए, जिससे जल्दी से जल्दी उन शवों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि 24 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक 7 लोगों में से 3 लोगों के शव पुलिस को हाथ लगे हैं। और देखना होगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है सोमनाथ, किस तरीके से और कब तक जो बाकी के 4 लोगों की बॉडी अभी तक नहीं मिली है, उन बॉडियों तक कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन वाले निकालने में सफल होते हैं। जी सोमनाथ, इमरान, पुलिस का इस मामले में को लेकर क्या कहना है? बिल्कुल सोमनाथ, देखिए अभी तक पुलिस के कोई भी वरिष्ठ अधिकारी का इस पूरे मामले को लेकर बयान नहीं आया है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरा दुख संवेदना व्यक्त की है, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी भी मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता राशि की घोषणा नहीं की है। और अनुमान लगाया जाता है कि पहले शवों को बरामद किया जाए, शवों को निकालना पहली प्राथमिकता है दोनों ही सरकारों के लिए, क्योंकि 24 घंटे से अधिक समय हो चुका है। चंबल नदी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश राजस्थान में एक सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और यहाँ पर अगर सब 24 घंटे के अंदर बरामद नहीं हुए तो हो सकता है कि आगे बहकर कहीं और आगे तो नहीं निकल गए। तो सबसे पहली प्राथमिकता दोनों सरकारों की यही है कि जो लोगों के शव अभी तक बरामद नहीं हुए उनके शव पहले नदी में से निकाले जाए, उसके बाद हो सकता है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान का मुख्यमंत्री भी इस पूरे
घटनाक्रम को लेकर जो मृत लोग हैं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता राशि की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि जो कुशवा समाज के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है और जो प्रमुख लोग थे जो महिलाएं थी उनकी मौत हो चुकी है। तो अभी तक ऐसा कोई घोषणा अभी तक मुख्यमंत्रियों के द्वारा नहीं की गई है, लेकिन ये उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे मामले के सबों को निकाल लिया जाएगा और दोनों ही मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ आर्थिक घोषणा इन परिवारों के लिए कर सकते हैं। सौम्य जी इमरान, घटना की ताजा अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।